हेलो दोस्तों, आज से आप लोगों को डेली वीडियो मिलने लगेगा। कुछ पर्सनल इशू की वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब से आप लोगों को नया डेली का डेली नया नया वीडियो मिलेगा और डेली का डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आज जो मैं साइकिल रिपेयर कर रहा हूँ या सस्पेंशन चेंज कर रहा हूँ, ये आसनसोल का फेमस कुछ पर्सन है, नाम है MTB इमरान। यूट्यूब में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो उसी का सस्पेंशन जो है, सामने वाला टूट चुका है, वही मैं आज चेंज करने वाला हूँ। आप लोग देखिए। ये कुछ भी रेसर जो निकला हुआ है, इतना सारा जो गंदा है, इसको सबसे पहले तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। और क्लीन जो होता है, देखिए कितना सारा गंदा है, एकदम पूरा ग्रीस से भरा हुआ है, ब्लैक ब्लैक एकदम। ये सारा पहले क्लीन करना पड़ेगा। किससे क्लीन करते हैं ये आप लोग देखिए। पूरा डिग्रेस वगैरह मार के पूरा एकदम बढ़िया से क्लीन करके एकदम पूरा पूरी एकदम क्लीन करना पड़ेगा। एकदम बढ़िया से क्लीन, थोड़ा सा भी अगर गंदा रहता है तो पूरा एकदम नया ग्रीस को ख़राब कर देगा। यह है क्राउन रेसर, ये पुराना फ्रॉक पे लगा हुआ है, सस्पेंशन फ्रॉक पे। इसको भी निकालना पड़ेगा। अगर आपका हेडसेट अगर सही है तो निकाल लीजिए, वरना आप हेडसेट नया लगा लीजिए। ये नया फॉर्क सस्पेंशन है, सस्पेंशन फॉर्क या फॉर्क सस्पेंशन, इस पे आप इसको असेंबल कीजिए और बढ़िया से आराम से करते हुए एकदम, इसको दाग वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसे आपको बैठाना पड़ेगा एकदम ऐसे पूरा ही, कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए, एकदम बढ़िया से बैठा लेना पड़ेगा। उसके बाद आप सारा कुछ रेसर वगैरह जितना भी स्पेसर है सारा कुछ बैठा के आप देख लें, हाँ कितना जगह बच रहा है उसको आपको काट के हटाना पड़ेगा। यहाँ 1/2 इंच का करीब में मेरा बढ़ रहा था, तो 1/2 इंच का करीब में मैं काट ले रहा हूँ। आपके पास आरी ब्लेड हो, आरी ब्लेड से भी कट जाता है, तो मेरे पास ग्राइंडर था इसलिए ग्राइंडर से मैंने काट लिया इजीली एकदम आराम से। और सामने का हिस्सा थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, जो जितना खुरदुरापन है उसको थोड़ा सा चिकना करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पेसर वगैरह डालेंगे तो इसीलिए दिक्कत हो सकता है। इसके वजह से आपको सामने का हिस्सा थोड़ा सा एकदम कर लेना पड़ेगा आराम से चिकना। और यहाँ मैं मकफ का यूज़ कर रहा हूँ ग्रीस, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आप लोगों को देखने में भी सहूलियत हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ हूँ। अब जितना आपका बॉल रेसर वगैरह है, बॉल रेसर मैंने हेड कप के ऊपर डाल दिया है। अब फ्रॉक के ऊपर आपका जो होता है फाइबर कप, वो मैं डाल रहा हूँ। फाइबर कप डालने के बाद आप आराम से फ्रॉक डाल दें, ऊपर से आपको जो ऊपर वाला फाइबर कप होता है वो डालने के बाद फिर हेड रेसर डालने, फिर
फिर आपका जो जैम वाशर होता है वो जैम वाशर डाल दें। जितना बाकी अब स्पेसर रहा, बाकी सब स्पेसर आप आराम से एक के बाद एक आप डालते जाएं। फिर आप स्टेम से उतार भी सकते हैं, स्टैंड से, या आप वहीं पे कर सकते हैं। तो मुझे स्टैंड के नीचे ही उतार के सुविधा होता है, तो स्टैंड के नीचे आप उतारने के बाद फिर मैं सारा काम करूँगा। फिर हैंडल वायर और हैंडल स्टेम जो लगा हुआ है एक साथ उसको डाल लें। फिर इसके बाद आता है आपका स्टार नॉट जो होता है, वो फ्रॉक के साथ आता नहीं है। फिर स्टार नॉट जो होता है वो आपको डालना पड़ता है। तो कैसे डालेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पहले अंदर का खुरदुरापन मैंने स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा क्लीन किया। ये रहा स्टार नॉट, जिससे आपका हैंडल स्टम टाइट होता है। स्टार नट को आपको ठोक के आराम से एकदम हल्का हाथ से बैठाना पड़ेगा, हल्का हाथ से एकदम सीधा करके बैठा लें। फिर जो एलिंकी बोल्ट आप डाले थे उसको निकाल लें आराम से एकदम। फिर हैंडल स्टेम बैठा करके अपना बोर्ड लगा कर टाइट कर लें। ये मेरा सस्पेंशन फ्रॉक पूरा लग चुका है। एकदम उठा करके हल्का हाथ से घुमा करके देख लें एकदम सही काम कर रहा है कि नहीं, सस्पेंशन सही काम कर रहा है कि नहीं। बाकी आप लोग को तो पता ही है कि व्हील वगैरह कैसे लग सकता है। आराम से खोल करके व्हील वगैरह जो पुराना सस्पेंशन से निकाल करके आराम से लगा सकते हैं। व्हील लग चुका है, अब जो कैलिपर है फ्रंट कैलिपर वो खोल करके मैं वो उस पे नया वाला सस्पेंशन पे लगा रहा हूँ। ये सब बाकी जो आपको कुछ भी अगर दिक्कत कुछ भी कहीं से भी हो रहा तो आप कमेंट पे मेरे को पूछ सकते हैं। पहले हो सकता था कि मैं कमेंट पे कुछ जवाब नहीं दिया होऊंगा, अभी आराम से मैं आपको लोगों को जवाब दूंगा। स्टेम जो है फाइनल चेक कर लिए। अब जो है इमरान भाई को आप लोग देख सकते हैं, वो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहे हैं। टेस्ट राइड ले रहे हैं, वो तो स्टार्टर है, एकदम स्टार्ट करके ही दिखाएंगे एकदम आराम से। बाकी मैं यहाँ उनसे पूछा कि कैसा आपका साइकिल, कैसा रहा राइड, वो खुद बताएंगे कि कैसा राइड है। गुड है।